अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वीम से बैकअप अपनी डेल डाटा डोमेन में रख रहे हैं और अचानक बैकअप जो है वो फेल होना शुरू हो गया है, तो 99% चांस है कि आप जिस यूज़र को यूज़ करके डाटा डोमेन में बैकअप्स रख रहे हैं वो हो सकता है लॉक हो गया हो आपकी डाटा डोमेन में। तो इसको कैसे चेक करना है और यूज़र कैसे अनलॉक करना है तो वो आपको बताता हूँ मैं। आप पहले डाटा डोमेन में लॉगिन करें। लेफ्ट साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करें और लोकल यूजर्स में आ जाएं। अब आप उस यूजर को चेक करें जिसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है आप यूज कर रहे हैं अपनी वीम में। तो ये यूजर है, ये इस टाइम इसका स्टेटस अगर देखेंगे तो ये लॉग में आ रहा है। तो सिंपली आप ये इसको चेक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। और स्टेटस इनेबल में आ गया लॉग से। तो आप एट अ टाइम एक यूजर इनेबल होगा और आप अब दोबारा अपनी वीम में जाके अपने बैकअप्स जो है उनको दोबारा रन करेंगे तो वो एरर नहीं आएगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।